मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन अब तक की पूछताछ में केजरीवाल ने जांच में ईडी का सहयोग नहीं किया है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसडी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, यानी सीएम लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल को उनकी ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल के 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा है कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र कर रही थी तो भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज अपना नाम सुनकर चौंक गए। भारद्वाज ने अपने साथ खड़ी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज की तरफ देखा। वैसे केंद्रीय जांच एजेंसी ने न्यायिक हिरासत की कॉपी में कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की कॉपी में कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मंत्री के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था, सीएम कैंप ऑफिस से वे काम करते थे। इस पर केजरीवाल गोलमोल जवाब देकर कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, इसको लेकर उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती। विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। केजरीवाल को नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए, इससे पता लगता है कि विजय नायर सीएम केजरीवाल के करीबी रहे हैं। ईडी ने कॉपी में लिखा कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर के अन्य आरोपी जैसे अभिषेक बोइन पिल्ले, दिनेश अरोरा और अन्य शराब कारोबारियों से करीब 10 मीटिंग की डिटेल्स दिखाई गई। इसमें पूछा गया कि किसके इशारे या कहने पर विजय नायर इन शराब कारोबारियों और आरोपियों से नई शराब नीति को लागू करने को लेकर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। इधर केजरीवाल की हिरासत बढ़ने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 11 दिन पूछताछ हुई, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है, तो उनको जेल में क्यों डाला? 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल जब से ईडी की हिरासत में है तब से आम आदमी पार्टी का एक ही राग है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मकसद लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। तो वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि केजरीवाल बचने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब ये समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, नौ नौ समन्स भेजे हैं, वो पूछताछ के लिए नहीं आए, ठीक है आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं, मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि
कि हाँ जी इनको बेल दे दीजिए। तो मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था, पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था, मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में ये बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने। और हां ये भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहना होगा। इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी दवाएं और 3 किताब रामायण, महाभारत और नीरजा चौधरी की लिखी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड उपलब्ध कराने की भी मांग की है। साथ ही बीमारी के चलते जेल के अंदर स्पेशल डाइट की भी मांग की गई है।